आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में श्रमिकों के पंजीयन के लिए आगामी 1 से 14 अप्रैल के बीच अभियान चलाया जाएगा, जिससे कोई भी पात्र श्रमिक नहीं छूटे। 16 अप्रैल से 15 मई के बीच सभी जिलों में श्रमिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा वितरण, उज्ज्वला योजना, ई रिक्शा, हाथ ठेला, शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजदूरों को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में रवि वर्ष 2017-18 में चना, मसूर, राई, सरसों, प्याज और लहसुन उत्पादक किसानों के ऑफलाइन पंजीयन के लिए प्रदेश में 21 मार्च को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। किसान कल्याण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष ग्राम सभाओं के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इन फसलों के किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 24 मार्च तक करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग की विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, ईवीएम की प्री एफएलसी की प्रक्रिया के संबंध में 20 मार्च से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के निर्वाचन पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुनीता त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है कि 20 से 22 मार्च तक भोपाल और इंदौर संभाग के निर्वाचन पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारियों को आयोग की विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दमोह जिले में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज 46 करोड़ रुपए की लागत से सागर नाका क्षेत्र में रेल ब्रिज निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान सागर कटनी रेलवे लाइन पर दमोह से निकलने वाली सभी रेलगाड़ियों को रोक दिया गया। श्री मलैया ने उम्मीद जताई है कि ये कार्य 1 माह में पूरा हो जाएगा। रेलवे ने इस काम के लिए 3 दिन का ब्लॉक दिया है। सागर जिला न्यायालय परिसर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का लोकार्पण किया। जिला न्यायालय परिसर में बने इस भवन का लोकार्पण न्यायाधीश एचपी सिंह और अतुल श्रीधरन द्वारा किया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कल देर शाम आयोजित इस समारोह में न्यायमूर्ति एचपी सिंह ने कहा कि इस भवन निर्माण का उद्देश्य असहाय, बेसहारा और पीड़ित लोगों को विधिक सहायता प्रदान करना है। प्रदेश भर में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के मैहर में मां शारदा मंदिर मेला परिसर में पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से मैहर रेलवे स्टेशन के अलावा टिकट काउंटर मेला परिसर में भी लगाया गया है। मैहर एसडीएम ने बताया है कि नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये टिकट काउंटर खोला गया है। वहीं बुरहानपुर के धावन गांव में आयोजित नवरात्र मेले में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं। इस मेले में महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं शाजापुर जिले में 15 दिवसीय मेले की शुरुआत आज से हो रही है। इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। वहीं सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित विजासन माता मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल नवरात्र के पहले दिन लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सदस्य सुनील कुमार सिंघी ने बैठक ली। जिले के अल्पसंख्यक विभाग के सभी समुदायों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। उमरिया जिले में सिंधी समाज द्वारा आज श्रद्धा भाव के साथ झूलेलाल जयंती मनाई जा रही है। सुबह संकीर्तन रैली के साथ विशेष पूजा अर्चना और लंगर का दौर जारी है। खंडवा जिले की खालवा तहसील में आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। सतना जिले में बिजली विभाग उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूली अभियान चला रहा है, जिसके लिए 7 टीम बनाई गई है। मुरैना जिले में व्यापारी से लूट के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने रैली निकाली और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।